स्वागत है आप सबका JCERT के डिजी स्कूल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग अष्टम की हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का दूसरा पाठ, छोटा जादूगर, जिसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुवारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाने लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता के साथ कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, क्या तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है, मैंने कहा। तो चलो, मैं वहां पर तुमको लेवा चलूं, मैंने मन ही मन कहा। भाई, आज के तुम्हें मित्र रहे, उसने कहा। वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए, मैंने उसे सहमत होकर कहा। तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए, उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राम ने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूँ और अपना पेट भी भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो, निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9:00-11:00 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। शेष भाग अगली कक्षा में।